नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। रांची ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल का ब्रांच गढ़वा शहर नारायणपुर टंडवा में खोला गया है। प्री नर्सरी से क्लास 6 तक नामांकन प्रारंभ है, जहां बच्चों के लिए डिजिटल व एसी क्लासरूम, हाईटेक कंप्यूटर लैब एवं बस की सुविधा उपलब्ध है। 9031474750 पर संपर्क करें। सपा सांसद ने दी अजीब दलीलें, कहा बच्चे पैदा करने लायक होने पर कर देनी चाहिए लड़कियों की शादी, उम्र बढ़ने पर पोर्न देखकर करवाती है बदनामी। लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु 18 साल से बढ़ाकर 21 साल किए जाने के प्रस्ताव पर समाजवादी पार्टी सपा के कई नेता आपत्ति जाहिर कर चुके हैं। अबू आजमी, शफीकुर रहमान बर्क के बाद अब सपा सांसद एसटी हसन ने शुक्रवार को केंद्र के प्रस्ताव का विरोध करते हुए अजीबोगरीब दलीलें दी। हसन ने कहा कि जब लड़कियां बच्चे पैदा करने लायक हो जाएं तो उनकी शादी कर देनी चाहिए। अपने तर्कों में उन्होंने ये भी कह डाला कि उम्र बढ़ने पर बच्चे पॉर्न फिल्में देखने लगते हैं और उनमें अनुशासनहीनता बढ़ जाती है। एएनआई से बात करते हुए हसन ने कहा महिलाओं की प्रजनन आयु 16 से 17 वर्ष से 30 वर्ष तक होती है। 16 साल की उम्र से ही शादी के प्रस्ताव आने लगते हैं। यदि शादी देर में की जाती है तो इससे दो नुकसान है, एक है बांझपन की संभावना, दूसरा ये है कि जब कोई बूढ़ा हो जाता है तो बच्चे व्यवस्थित नहीं होते। जब आप जिंदगी के आखिरी दशक में तब भी आपके बच्चे स्टूडेंट ही होते हैं। हम प्राकृतिक प्रक्रिया को तोड़ रहे हैं। सपा सांसद ने कहा मैं मानता हूं कि जब एक लड़की परिपक्व हो जाती है और प्रजनन की उम्र हासिल कर लेती है उसकी शादी हो जानी चाहिए। यदि एक लड़की 16 साल में परिपक्व हो जाती है तो उसकी शादी 16 साल में हो सकती है। यदि वह 18 की उम्र में वोट डाल सकती है तो शादी क्यों नहीं कर सकती। बच्चे जब बड़े होते हैं तो अनुशासनहीनता बढ़ जाती है, जब वे पॉर्न वीडियो और फोटो देखने लगते हैं। हमने लिव इन रिलेशन को मंजूरी दे दी है, जो दिखाता है कि अनुशासनहीनता बढ़ गई है। इस उम्र में हार्मोनल बदलाव अपराध की ओर ले जा सकते हैं। इससे पहले गुरुवार को सपा नेता अबू आजमी ने भी कहा था कि शादी की उम्र बढ़ाए जाने से लड़कियां गलत रास्ते पर जा सकती हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि ये कानून ऐसे लोग ला रहे हैं जिनमें अपने बच्चे नहीं हैं। इस मुद्दे पर ग्रामीणों और आदिवासियों की राय ले ली जानी चाहिए। उन्होंने कहा भारत एक गरीब देश है और हर कोई बेटी की शादी की कम उम्र में करना चाहता है। मैं संसद में इस बिल का समर्थन नहीं करूंगा। हालांकि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने सांसद के बयान से किनारा कर लिया और कहा कि उनकी पार्टी प्रगतिशील है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने लड़कियों और महिलाओं के विकास के लिए कई योजनाएं लॉन्च की हैं। बाल संस्कार हॉस्टल पिपरा काला गढ़वा में आवासीय सुविधाओं युक्त नवोदय, नेतर हार्ट सैनिक स्कूल एवं CHS आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की विशेष तैयारी कराई जाती है। दिए गए नंबर पर संपर्क करें। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें ग्रीन लाइन न्यूज।